Hey there, divine souls. Om Shanti and welcome back to my channel. I am BK Ashwini and you are watching Universal Secrets and Truth. Friends, अगर आप आज सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आज का हमारा ये टॉपिक सिर्फ आपके लिए है. ब्रेकअप, वो मुझे छोड़कर चला गया है या फिर वो मुझे छोड़कर चली गई है. सबसे ज्यादा दर्द इस चीज में होता है. पता है क्यों? क्योंकि आप दिल से किसी को चाहते हो, इमोशनली अटैच्ड हो जाते हो किसी से, उसके साथ प्यार भरी फोन पे बातें करते हो, मैसेजेस, चैटिंग, वीडियो कॉल, रात रात भर बातें करना, यहाँ तक कि प्यार में सारी हदें पार कर जाते हो. उस वक्त इस इंसान को आपकी बड़ी फिक्र होगी, बाबोश हो, ना जान जानू सब होगा, झूठे वादे होंगे, ठीक भी आ जाए आपको तो बस 100 बार पूछ लिया जाएगा डॉक्टर के पास गए या नहीं, पतले हो गए हो, तबीयत खराब हो रही है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर खिलाऊंगी, तुम्हें कभी कुछ कम नहीं पड़ने दूंगा, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी. और आप दिल दिए होते हो तो फंस जाते हो. इतना प्यार बरसेगा कि पूछो मत. आपको अच्छे से अपनी आदत लगाकर, आपके करियर का, आपकी जिंदगी का मजाक बनाकर कोई आपको धोखा देके फिर किनारा कर लेता है. फिर धीरे धीरे वो कहीं और मन बनाने लगेगा. आपके साथ तो अपना काम बना लिया है उसने, अब आपसे इंटरेस्ट भी खत्म हो गया है, फिर कोई और मिल जाएगा, या करियर याद आएगा, फैमिली याद आएगी, फिर आप कितना भी कॉल करोगे तो फिर आपका कॉल कट कर दिया जाएगा. मैं काम में हूँ, दोस्त साथ में है, रिश्तेदार बीमार है, खाली बैठेंगे, लेकिन अब बहाने बहुत याद आएंगे. तो क्या पहले दोस्त नहीं होते थे क्या? रिश्तेदार कभी बीमार नहीं पड़ते थे क्या? और मैसेजेस सीन कर देंगे लेकिन रिप्लाई नहीं देंगे, 4 दिन 8 दिन फोन भी नहीं करेंगे, लेकिन जब फोन करेंगे तो आप पहले ही फोन में अवेलेबल हो जाओगे. तो वो इंसान धीरे धीरे आपको छोड़ने का मन बना ही लिया है, तो अब तो यही करेगा ना. फिर महीने भर के लिए गायब हो जाएगा. आपने तो उस वक्त अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पागलों की तरह उसी एक इंसान को चाहते हो, उसके साथ अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो तो है ही प्रैक्टिकल माइंड. उसको क्या लेना देना है आपकी इस दीवानगी से, आपके प्यार से, इमोशन से, फीलिंग से? आप जियो या मरो, आपसे तो मन भर गया है ना, फिर गायब हो जाना ही है आपको छोड़कर, फिर याद नहीं आओगे आप. देखिए फ्रेंड्स, जो सच में आपसे प्यार करता है ना, वो आपको आपकी ही तरह टूट कर चाहेगा, आपका ख्याल रखेगा, मुश्किल वक्त में आपका पूरा पूरा साथ निभाएगा, चाहे कितना भी बिजी हो लेकिन एक कॉल आपको जरूर करेगा. चाहे रिश्ता कितना भी पुराना हो, वो हमेशा वैसे ही नया रखेगा आपके साथ, जैसे आप अभी न्यू लव रिलेशनशिप में हो. आपके लिए हर वो चीज़ करेगा जो आपको पसंद है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, जो एंजल से कम नहीं होते, लेकिन धोखा देने वाले मक्कार लोग आपको जगह जगह मिल जाएंगे. और आप भी ऐसे लोगों को अपने सिर पर बिठा कर रखते हो. देखिए फ्रेंड्स, झूठे और मक्कार धोखेबाज लोग सिर्फ बातें ही करते हैं, आपके लिए करते कुछ नहीं है. तो मेरी बन जाए, शादी हो जाए, फिर ये करूँगा, घर दिलाऊँगा, घूमने जाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो सच में आपसे प्यार करते हैं वो बातें नहीं करेगा. उसे हमेशा आपकी याद आएगी, आपकी फिक्र होगी, आपको सरप्राइज देना, घूमने ले जाना, बाहर ले जाना, शॉपिंग, या फिर आपके लिए, वो अगर लड़की है तो खाना बनाकर अपने घर से ले आएगी, आपके कपड़े भी धोएगी. आप जब भी पुकारो वह किसी से भी डरे बगैर आपके साथ चल देगी. ये होता है सच्चा प्यार. अगर ये बिगड़ भी जाए तो इन्हें मिलना ही है. देखिए फ्रेंड्स, जो आपसे सच्चा प्यार करता है ना, वो या तो आपको आपका वक्त देगा, या फिर चला भी जाए 1 महीना 3 महीने 6 महीने, लेकिन प्यार अगर सच में है तो उसे तो आना ही है. लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, जो आपका है वो आपको छोड़कर जाएगा नहीं, लेकिन जो आपका है ही नहीं आपका, उसके लिए फ्रेंड्स आप कितना भी रो लीजिए,
वो आपके लिए नहीं रुकेगा। आप अपनी सेहत ऐसे इंसान के लिए खराब कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, करियर दाव पे लगा रहे हो, सुसाइड करने जा रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। और जैसे ऐसे फ्रॉड इंसान के लिए आप अपनी जान दाव पे लगाओगे क्या? फिर भी क्या आपको वही इंसान चाहिए? क्या मतलब वो आपका गला काटने की ख्वाहिश रखता है तो क्या आप चाकू ला कर दोगे? फिर तो उसमें काटना ही है, इसमें गलती आपकी है। एक तो आप हद से ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, गलती आप करते हो। ऐसे मक्कार इंसान के लिए अपने आप को चोट पहुंचाते हो। आप क्या मुफ्त हो जो कोई भी आए और आपको पागल बनाकर चला जाए? नहीं फ्रेंड्स, ऐसे मत करो। अपनी पावर को पहचानो, सोचो क्या इंसान हो आप, वो उस इंसान के आने से पहले आप कैसे थे, क्या ऐसे थे आप? आपके भी कुछ सपने थे, करियर था, आईना देखते थे, आप अपने आप में खुश रहते थे। ऐसा उस इंसान में क्या है जो आप जैसे हीरे को पत्थर समझ रहा है? तो हमेशा याद रखना, आपके प्यार की कदर जिसे नहीं है, भाग तो उसके फूटे है, नसीब तो उसका खराब है। छोड़ो ऐसे मतलबी इंसान के पीछे भागना, अपने आप से प्यार करो, अपनी पावर पहचानो, अपनी करियर पर फोकस करो। हर कोई फिर आपको चाहेगा, फिर तब तक मत रुकना जब तक आपको आपका ट्रू लव ना मिल जाए। और उसके बाद भी अपना करियर, अपनी खुशी मत छोड़ना, क्योंकि आप अपनी खुशियों की चाबी अगर किसी और को दे देते हो ना, तो उसे तो ताला मारकर चले ही जाना है। हमेशा अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखना, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आए चला जाए, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको आज का हमारा ये टॉपिक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगली बार आपके लिए आपके टॉपिक पे वीडियो बनेगी, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्टे पॉजिटिव, बिलीव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। बाय फ्रेंड्स।